We are taking fertilization. We are moving ahead in fertilization. This is our part two. Part first we have finished. Okay. In part first we had seen that pollen tube had emerged and it has, you know, trying to enter through micropylar site. Okay. Now, as we know that these three cells are known as antipodal cells, and these two are polar nuclei. And these two smaller cells which are towards micropylar end are synergies, and this is one big cell. This big cell is egg cell. Okay, now we are moving ahead. I am teaching in bilingual manner, as I told you earlier. Bilingual manner ध्यान रखिए आप. Okay, this is pollen tube. ये pollen इसी को बड़ा कर दिया मैंने. हमें ऊपर वाले पार्ट से कुछ मतलब ही नहीं है. मैंने इस पार्ट को बड़ा कर दिया. ठीक है, ये एंटीपोडल सेल डिजनरेट हो जाएंगी. ये दो सिनर्जिक भी क्या हो जाएंगे, डिजनरेट हो जाएंगे. जैसे ही पोलन ट्यूब आएगी, पोलन ट्यूब टू मेल गैमेट्स को अंदर रिलीज करेगी, तो ये सिनर्जिक भी डिजनरेट हो जाएंगे, एंटीपोडल सेल भी डिजनरेट हो जाएंगी. इस आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है और डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है. ये आज हमारी मेन बात है. ओके, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन एंड हाउ ट्रिपल फ्यूजन टेक्स प्लेस, दिस वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. फर्टिलाइजेशन चल रहा है. ओके, सो मैंने ये ले लिया आपका एग. इसमें मेरे पास है ये एग सेल है, ये मेरे पास एग सेल है, ये दो सिनर्जिड्स हैं. यहाँ पे फिलीफॉर्म एपरेटस होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है. फिलीफॉर्म एपरेटस. ये फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करता है, पोलन ट्यूब को गाइड करता है कि आपको किधर से आना. फिलीफॉर्म एपरेटस ऑफ सिनर्जिड्स गाइड द पोलन ट्यूब फ्रॉम वेयर इट हैज टू कम इनसाइड इट एंड रिलीज टू पोलन रिलीज टू मेल गैमेट्स. तो सपोज कीजिए कि यहाँ से ये फिलीफॉर्म एपरेटस आया, फिलीफॉर्म एपरेटस से यहाँ से ये मेल गैमेट अंदर जाने की कोशिश करेंगे. ओके, अब ये वाला जो फिलीफॉर्म एपरेटस है ना, ये डीजनरेट होने लग जाएगा. ये सिनर्जिड यहाँ से क्या होने लग जाएगा, डीजनरेट होने लग जाएगा. ठीक है, डीजनरेट होने लग जाएगा. इसमें से एक मेल गैमेट तो यहाँ आके फ्यूज हो गया दो पोलर न्यूक्लाई के साथ. ध्यान रहे, यहाँ पे पहले दो थे, यहाँ पे पहले क्या था, यहाँ पे पहले था 2n था. अब यहाँ पे एक और n हो गया, तो आप बताइए 2n plus n, आप खुद बताइए मुझे 2n plus n मिलके क्या हो गया, 3n हुआ कि नहीं हुआ. जब पहले यहाँ पे दो न्यूक्लियस थे या दो न्यूक्लियाई थे, एक मेल गैमेट आ गया तो वो भी हो गया n. देखिए ये भी n था, ये भी n और ये भी n, टोटल मिलके कितने हो गए, 3n. देर आर 3n. तो क्या प्रोसेस क्या हुई, ट्रिपल फ्यूजन हुआ कि नहीं हुआ, आप ही खुद बताइए मुझे ट्रिपल फ्यूजन हुआ कि नहीं हुआ. दूसरा मेल गैमेट बच रहा है, अभी दूसरा मेल गैमेट बच रहा है. ये तो एक मेल गैमेट यहाँ गया, ये एंटीपोडल सेल है, ये डीजनरेट हो जाएंगी. ये एंटीपोडल सेल थी वो डीजनरेट हो जाएंगी, लेटर ऑन डीजनरेट हो जाएंगी. दूसरा मेल गैमेट एक सेल से आके फ्यूज करेगा. दूसरा मेल गैमेट, ये रहा सेकंड मेल गैमेट, ये रहा सेकंड मेल गैमेट. दिस सेकंड मेल गैमेट विल फ्यूज टू एग सेल. ओके, सेकंड मेल गैमेट विल फ्यूज टू एग सेल. आई एम रिमाइंडिंग यू वंस अगेन. एंड फर्स्ट कोई भी एक मेल गैमेट, एक तो फ्यूज होगा एक सेल से, एक फ्यूज होगा किससे, टू पोलर न्यूक्लियाई से. जब ये टू पोलर न्यूक्लियाई से मिलके बना, तो यहाँ पे हो गया ट्रिपल फ्यूजन. इसको हमने बोला पीएन. पीएन की फुल फॉर्म में अभी बताने वाला हूँ, चलो सुन लो, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. ओके, अब पूरी प्रोसेस को एक इक्वेशन में लिख लेते हैं, चलिए. फर्टिलाइजेशन को सिंगेमी भी बोलते हैं, फर्स्ट मेल गैमेट, किससे आके फ्यूज हुआ एक से, ये रहा आपका एक. फर्स्ट मेल गैमेट किससे आके फ्यूज हुआ एक से, ये मैंने बता दिया आपको एक से. तो जब एक से मेल गैमेट फ्यूज होता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, फर्टिलाइजेशन. और आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनता है, जाइगोट. एंड जाइगोट एक डिप्लोइड सेल है. ये फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हुआ यहाँ पे. अब देखिएगा आगे क्या हुआ. सेकंड मेल गैमेट, ये रहा सेकंड मेल गैमेट, बताया मैंने आपको किससे फ्यूज हुआ, टू पोलर न्यूक्लियाई से. बार बार बता रहा हूँ, तो टू पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज हुआ सेकंड मेल गैमेट. जब टू पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज हुआ तो बना पीएन. पीएन की फुल फॉर्म मैंने जस्ट अभी आपको बताई थी, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. तो ट्रिप्लोइड सेल बनी. कौन सी सेल बनी भाई, ट्रिप्लोइड सेल बनी. कौन सी सेल बनी, ट्रिप्लोइड. और ये कौन सा फ्यूजन हुआ, ट्रिपल फ्यूजन. कौन सा फ्यूजन हुआ, ट्रिपल फ्यूजन. अब फ्यूजन कितनी बार हुआ, हाउ मेनी टाइम्स फ्यूजन हैज टेकन प्लेस, टू टाइम्स. हाउ मेनी टाइम फ्यूजन हैज टेकन प्लेस, टू टाइम्स. एक बार तो भाई यहाँ हुआ, एक बार तो यहाँ हुआ, एक बार यहाँ हुआ, एक बार फ्यूजन यहाँ हुआ, तो इसके रिजल्ट में 3n सेल बनी. एक बार फ्यूजन यहाँ हुआ, तो ये डबल फर्टिलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ. देखिए आप, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन प्लस ट्रिपल फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन प्लस ट्रिपल फ्यूजन
कौन सी प्रोसेस हुई? डबल फर्टिलाइजेशन हुई कि नहीं? दो बार हुआ ना, तो डबल फर्टिलाइजेशन हुई। और ये किसने दिया था? नावाश्चिन ने। किसने दिया था? नावाश्चिन ने दिया था। किस में दिया था? एक तो लीलियम में दिया था और एक फ्रिटिलेरिया में दिया था। डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस वॉज गिवन बाय नावाश्चिन। किस में दिया था? लीलियम में दिया था और फ्रिटिलेरिया में दिया था। अब बताइए कितना सिंपल है ये। एक बार और रिमाइंड करा देता हूं, दो मेल गैमेट आएंगे, एक तो फ्यूज होगा यहां पे, एक तो फ्यूज होगा यहां पे पोलर न्यूक्लियाई में, तो क्या बनेगा? 3N बनेगा। ये हो गया ट्रिपल फ्यूजन। एक एक के साथ तो होना ही है, तो एक बार तो एक के साथ फ्यूज हुआ, एक मेल गैमेट, एक बार इसके साथ हुआ, तो दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ, तो प्रोसेस का नाम हो गया डबल फर्टिलाइजेशन। सिंपल। किसने दिया था? नावाश्चिन ने। किस में दिया था? लीलियम में और फ्रिटिलेरिया। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। ये टू फ्यूजन, सो इट इज अ डबल फर्टिलाइजेशन। टू टाइम्स फ्यूजन हैज टेकन प्लेस, इट इज डबल फर्टिलाइजेशन। सिंपल। थैंक यू।